ऊपर वाला की भाई कृपा है, ऐसा भाई मेरे को मिल गया सब कुछ। मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ भाई आपके साथ, एंड थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट भी मिला भाई, थोड़ा बहुत अपने बारे में बोल देता हूँ। देखो भाई, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ सिविल बीटेक का, एंड जो जो भाई लोग मेरे एज में बिलोंग करते हो, 22, 23, 24 सभी बहुत सारे भाई लोगों का भाई ऐसा भाई ड्रीम भाई होता है। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ भाई जो अपना ड्रीम सेल्फ फुलफिल करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है। एंड बिकॉज मेरे जैसे ऐसा बहुत सारे भाई है जिसका ये जो भाई है सेम ए भाई मे भाई, तो ऐसा दूसरा कोई भाई भी हो सकता है, ये भाई कोई भी चीज हो सकता है, ड्रीम होता है। सो भाई मैं यही चीज आपको बोलने वाला हूँ वीडियो में, इसके लिए भाई मेरे को क्या क्या करना पड़ा एंड किस लिए मैंने इसको खरीदा सब कुछ बोलने वाला हूँ। तो थोड़ा बहुत सीनियरिटी का भेजे कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको बोलता हूँ। सो भाई उम्मीद करता हूँ ये जो सिनेमेटिक वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा। तो भाई चलिए अब मैं आपको बोलता हूँ ये जो ब्यूटी आप देख रहे हो इसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ा। सो भाई देखो, रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह 7 बजे मैं घर से निकलता था, वैसे 12 बजे तक मैंने एक साइबर कैफे में काम करता था, वैसे घर वापस आता था। जैसे मैंने आपको बोला मैं सिविल बीटेक का स्टूडेंट हूँ, सो सिविल का थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट भी मेरे को मिल जाता था, सिविल का प्लान भी करता था। एंड उसके बाद आप देखते हो भाई यूट्यूब का वीडियो भी देखते हो, सो यूट्यूब का वीडियो शूट करता था। उसके बाद कॉलेज का पढ़ाई भी था, कॉलेज का पढ़ाई भी कर लेता था। एंड फिर से शाम के 7 बजे के अंदर फिर से दुकान चला जाता था, 10 बजे घर वापस आता था। उसके बाद यूट्यूब का जो वीडियो मैंने सुबह शूट किया उसको मैं एडिट करता था। जैसे ही आप देखते हो भाई यूट्यूब का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रात में ही मैं अपलोड करता, सो इसलिए एंड इतना सारा काम भाई इसलिए करना पड़ा बिकॉज आप सभी लोग जानते हो भाई एक दो पैसा का चीज़ नहीं है भाई ये, इसके लिए भाई सेक्रीफाइस होना भी ज़रूरी है लाइफ में। एंड क्या ही बोलूँ भाई इसके बारे में, मैंने 5-5 रुपए तक सेविंग किया भाई, ऐसा कुछ था इसके लिए मैंने करना पड़ा। एंड इसको मैंने किस लिए खरीदा वो बोलता हूँ भाई। अब देखो भाई, करीब 1 साल पहले साइकिल करके जा रहा हूँ एंड साइड में देखा है कावासाकी निंजा खड़ा है, तो मैंने साइकिल को लेके गया, फिर से मुड़ के वापस आया भाई उसको सिर्फ देखने के लिए, उसके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए मैंने फिर से वापस चलाया एंड मैंने साइकिल था उसको मैंने दूर रख के आया उसके साथ एक फोटो खींचाने के लिए। मैंने जब कैमरे फोन को बाहर निकाला देखा उसका जो ओनर है शायद आ रहा है, सो मैं वैसे चला गया। वही दिन मैंने चैलेंज ले लिया ए जो भाई की इसको तो मैं खरीद के ही रहूँगा एंड भाई आपके सामने है भाई ये। सो भाई ये जो वीडियो मैंने इसलिए आपको दिखाया बिकॉज अपना जो ड्रीम है या फिर जिस हिसाब से आप ड्रीम देख रहे हो भाई उस हिसाब से आप हार्डवर्क करो, सेफ हार्डवर्क नहीं भाई थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी करो बिकॉज सेफ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता भाई एंड अपना ड्रीम को फुलफिल करो। सो भाई इसके लिए एक लाइक कर देना। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं जो वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए एंड भाई नेक्स्ट वीडियो से बहुत धुआंधार फाड़ूदार मजेदार एक्सपेरिमेंटल कंटेंट आने वाले। चलो भाई आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं।